चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद जो प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन बेस्ड सेट थ्योरी आएगी वो आपको हमेशा काम आएगी। इनफैक्ट ये क्लास 11th का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे तक एग्जाम में काम आता है। रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, वेन डायग्राम का या सेट का। अब वेन डायग्राम में क्या है कंसेप्ट समझें। नॉर्मली हम रेक्टेंगल बॉक्स को एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और सर्कल को नॉर्मली हम सबसेट लेते हैं। जैसे सपोज मैं एक लिखूं, यूनिवर्सल सेट लिखूं, एक सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट। ए सपोज लिखूं मैं 1, 2, 3, बी सपोज मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको कैसे वेन डायग्राम में बनाएंगे। देखिए बी है सबसे बड़ा सेट, ये हो गया बी और ये हो गया ए। ए में क्या क्या है 1, 2, 3। वेन डायग्राम से हम इमेजिनेशन पावर्स के थ्रू या लॉजिक के थ्रू, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये हो गया, अब 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया और 6 देखिए यूनिवर्सल सेट या नहीं है तो 6 उसके बाहर आ गया। आगे चल के इसको हम कॉम्प्लीमेंट, जो अगली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो कॉम्प्लीमेंट वाली, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए डैश, और जो एलिमेंट ए में है वो यूनिवर्सल में ए के एलिमेंट को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा 4, 5, 6। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ओनली 6 राइट। तो बेसिकली वेन डायग्राम के थ्रू हम इमेजिनेशन पावर के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे सपोज ए है 1, 2, 3, 4, सपोज बी है 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 3, 4 कॉमन है। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिएगा कॉमन क्या है 3, 4, तो 3, 4 यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया 1, 2, यहाँ पर आ गया 5, 6 राइट। या सपोज हो सकता है ए एक ऐसा हो, क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर होगा 1, 2, बी हो 3, 4। अब मैं इसको वेन डायग्राम से करना चाहूँ तो क्या होगा, वेन डायग्राम से करना चाहूँ तो ए ये हो गया, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए में क्या है 1, 2, बी में क्या है 3, 4, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ये जॉइंट है। अब आगे चल के यूनियन और इंटरसेक्शन, इसीलिए मैंने लिखा है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वेन डायग्राम का या सेट थ्योरी का। यूनियन मींस होता है, जब मैं बोलता हूँ यूनियन का सिंबल क्या है पहले हम समझें, और एग्जांपल से ही समझेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर होगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एग्जांपल्स वाला है आगे का। तो अगर मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं बोलूँ कि यूनियन ऑफ सेट, सपोज मैं बात करूँ यूनियन का सिंबल, यूनियन मींस होता है और, इंटरसेक्शन मींस होता है एंड, और डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। अब इसका मीनिंग क्या समझाता हूँ, और मींस जैसे सपोज ए यूनियन बी मींस ए और बी और ए प्लस बी, इंटरसेक्शन मींस ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी और ए इंटू बी, डिफरेंस ऑफ सेट मींस ए माइनस बी मींस एलिमेंट ऑफ ए ओनली। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत जल्दी क्लियर होगा। ये जो कॉमन पोर्शन है, सपोज ये ए है ये सपोज बी है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड, ये जो ब्लैंक दिख रहा है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं ए माइनस बी, ओनली ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, और इस सेक्शन को हम बोलते हैं बी माइनस ए। इस पूरे को अगर हम देखें जो सर्कल के अंदर बने हैं दोनों को, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट और बोथ एलिमेंट। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन लेते हैं और माइनस में केवल हम डिफरेंस वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं राइट। तो क्वेश्चन से ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाला पोर्शन है, तो हम थ्रू क्वेश्चंस को इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और लॉजिक भी आपके डेवलप होंगे। यस, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल सिस्टमेटिक क्वेश्चंस। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है जिसमें कि इंटरसेक्शन भी पूछा है, तो हम यूनियन के साथ यहाँ पर इंटरसेक्शन भी निकालते चलेंगे। यूनियन मीन्स कॉमन, सॉरी यूनियन मीन्स आइदर ए और बी और बोथ, और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम, तो इसमें एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई मीन्स एलिमेंट ऑफ एक्स एज वेल एज वाई 1, 3, 5, 1, 3, 5। अब 1, 3 तो आ गया तो एक्स्ट्रा क्या आ गया 2। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझूं तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं,
अगर सपोज ये x है, ये सपोज y है, तो x इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, वन एंड थ्री, तो 1 3 यहाँ आएगा, x क्या है 1 3 5 1 2, लाइक दिस। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि x इंटरसेक्शन y क्या होता, तो आप बोलते 1 3, राइट। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीज़ें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ए ई आई ओ यू ए बी सी। अब अगर इसमें आपको यूनियन बताना है सेकंड क्वेश्चन में, तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए डायग्राम से हमारी इमेजिनेशन पावर हमेशा इंक्रीज होती है। ए ई आई ओ यू, तो ए यूनियन बी, ए ई आई ओ यू तो लिख ही दीजिए आप। अब ए बी सी में केवल ए एक ऐसा जो कॉमन है, तो बी और सी और आ गया, राइट। अगर वेन डायग्राम से समझे तो कॉमन है केवल ए, ई आई ओ यू अलग हो गया, और यहां पर बी सी, ये क्या है ए, ये क्या है बी। अगर इस केस में सपोज ए इंटरसेक्शन बी आपसे बोला जाता, तो आप केवल सिंगल ए बोलते, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम आए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए जो है वो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, मीन्स ए लॉजिकली क्या है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, एंडलेस है, इनफाइनाइट सेट है। बी बोला है बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। अब सपोज इस केस में मैं आपसे बोलूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, राइट, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और अगर इस केस में मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलता, तो केवल 3 ही होता, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ए है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड बिटवीन 1 एंड 6, राइट। एक्स एक्स नेचुरल नंबर है और किसके बीच में है, 1 एंड 6 के बीच में, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो क्या क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ 1 पर इक्वल नहीं लगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 2 3 4 5 एंड 6, एंड बी इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 एंड 10, तो 7 8 9, राइट। तो अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप बोलते इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें ए इंटरसेक्शन बी बोलता, तो एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि दोनों ए ये है बी ये है। ए में क्या है 2 3 4 5 6, बी में क्या है 7 8 9, राइट। एंड लास्ट वन अगर देखें, तो ए 1 2 3, बी है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के साथ कभी भी यूनियन निकालेंगे, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है एम्प्टी सेट, मतलब लाइक दिस, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा 1 2 3 के इक्वल टू ए के। और अगर ए इंटरसेक्शन बी बोला होता, तो एम्प्टी सेट के इक्वल, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। लेट ए ए बी, ए जो है वो ए बी है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और बी जो है उसमें ए कॉमन है, या इनफैक्ट बोल सकते हैं ए बी दोनों कॉमन है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बी का ए क्योंकि सबसेट ऑफ, जब भी बी सबसेट हो तो ये सर्कल, लाइक बी लाइक ए, ए में ए बी, बी में एक सी और आ गया। देन ए यूनियन बी क्या होगा, इस समय ए यूनियन बी की बात करें, तो ए बी सी सबसेट बोला है, तो ऑब्वियसली बी ही होगा, और ए इंटरसेक्शन बी बोलें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ओनली फॉर ए बी, राइट। कभी भी ऐसा दिया हो कि ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी के होगा, राइट। और इस समय ए इंटरसेक्शन बी कभी भी बोलें, तो ए के ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ये अभी हमने लिखा ही है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यूनियन और इंटरसेक्शन के कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, राइट। अब इन्हीं क्वेश्चन में हम चाहें तो इंटरसेक्शन साथ में निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें ए
और बी में 3-4 कॉमन है। तो ये अगर मैं ए लूँ तो 3-4 कॉमन लिया, तो ए में क्या आ गया 1-2, बी में क्या आ गया 5-6। अब 5-6 देखें हम तो सी में भी है, तो कुछ ऐसा बना लें ये बी और ये सी, तो 5-6 कॉमन। और ये अगर मैं बना लूँ डी, तो डी में क्या 7-8 कॉमन और 9-10, राइट। एक तरह से कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम आता है। अब अगर आपसे मैं बोलूं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना सिंपल, ए यूनियन बी जो ए में हो और बी में हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अगर इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बोला होता तो आप बोलते 3, 4, राइट। लिखते चलो चाहो तो, ये पूछा नहीं, ये बता रहा हूँ 3, 4। अब सेकेंड है ए यूनियन सी, ए यूनियन ऑफ सी, ए और सी में ये पूरा सर्कल ए का सी, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इस केस में इंटरसेक्शन पूछा होता तो ए इंटरसेक्शन सी हम बोलते एम्प्टी सेट, राइट। फिर बात है ए यूनियन सी के बाद बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी यूनियन सी, बी और सी के बीच का, तो यूनियन, तो बी के एलिमेंट भी होना चाहिए सी के, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। और अगर बी इंटरसेक्शन सी इन केस आपसे पूछा होता तो आप बोलते 5, 6। देन है बी यूनियन सी के बाद बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी में अगर आप लॉजिकली देखें, बी यूनियन डी में लॉजिकली देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बी का सर्कल ये है और डी का सर्कल वहाँ पर है, तो बी कितना है 3, 4, 5, 6, डी कितना है 7, 8, 9, 10, राइट। अगर बी इंटरसेक्शन डी आपसे बोला होता तो आप बोलते एम्प्टी सेट। वेन डायग्राम से फ़ायदा होता है कि हमारे क्वेश्चन की क्लियरिटी या इमेजिनेशन बहुत क्लियर रहती है। बी यूनियन डी के बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप वैसे मेथड में पहले बी यूनियन सी निकाल लें फिर ए निकालें, पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब सी तक का सब, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ए यूनियन बी यूनियन डी अगर बोलें तो ए यूनियन बी ये हो गया पूरा, और उसके साथ आप डी को क्लब कर दीजिए, राइट। मीन्स ए यूनियन बी यूनियन डी में अगर हम देखें तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा बोलिए, ए यूनियन बी मतलब पहले तो ए बी लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर डी और डाल दो, तो डी कितना है 7, 8, 9 एंड 10। ऐसे बी यूनियन सी यूनियन डी भी आप लिख सकते हो, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, बी इक्वल टू 7, 9, 11, 13, सी 11, 13, 15 एंड डी 15, 17, फाइन। अब ए बी सी और डी में इंटरसेक्शन वाले रिलेशन हैं, आप बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं, तो 11 कॉमन है, 9 कॉमन है, 7 कॉमन है। मीन्स अगर ए और बी के लिए केवल डायग्राम बनाऊं, ये ए और बी, तो कॉमन हमेशा पहले लिखा जाता है 7, 9, 11, राइट। और अगर हम सी की बात करें तो 11, 13, 15, सी ऐसा कहीं ले लें, ठीक है, 11, 13 एंड 15, ये सी लिख लेंगे। और डी में क्या कॉमन है 15, और बी में 15 नहीं है, 15 एंड 17। डी अगर हम देखें, अब देखिए ए के पहले बचे हुए क्या क्या हैं वो लिखें, तो ए के बचे हुए हैं 3 एंड 5, 7, 9, 11, बी में क्या क्या है 7, 9, 11 आ गया, 13 और आना है, और 13 सी में भी है, 13 यहाँ पे ले ले, तो देखिए बी क्या हो गया 7, 9, 11, 13, और सी क्या है 11, 13, 15, और डी यहाँ कहीं ले लें, ये डी ले लें, तो 13 11 13 ऑलरेडी है, और एक और क्या आ गया 17, राइट। और 15 और ले लें डी में जो सी का भी पार्ट है, तो 15 एंड 17,
17 इसमें नहीं है, 17 केवल डी में, तो ये 15 आ गया। ये एक तरह से रफ डायग्राम हमारा बन गया। अब जो बोला जाए वो हम बता सकते हैं, जैसे बहुत इजीली बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस सेक्शन, राइट। अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलें तो क्या आ जाएगा, 7 9 11, राइट। अगर कभी मैं ए माइनस बी पूछता, अभी आगे के क्वेश्चन में है ये सब एक ही जगह समझ लो, तो ए माइनस बी मतलब अभी आप केवल ए और बी का सोचिएगा, तो जो ए में और बी में ना हो मीन्स 3 and 5 लाइक दिस। अगर मैं बी माइनस ए पूछता तो आप केवल 13 बोलते लाइक दिस, राइट। अब सेकेंड है बी इंटरसेक्शन सी, आप बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते थे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 7 9 11 कॉमन है तो वैसा लिख दिया। अब डायग्राम से हमें और क्लियरिटी होती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम डायग्राम के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन देखे तो 11 और 13 ऐसे लिखा देख के, या बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ये है और सी ये है, तो बी और सी का कॉमन हो गया 11 and 13। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, डी अलग ही हो गया, बिल्कुल ही हट गया है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखिए ए और सी में, ए और सी में अगर हम देखें तो केवल एक 11 कॉमन था, और डी में अगर हम देखें तो 15 कॉमन था, तो ये एम्प्टी सेट मिला, राइट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए इंटरसेक्शन सी ये है कितना, ए इंटरसेक्शन सी केवल एक ही एलिमेंट है 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखिए क्या है, बी ये है डी वो है, एम्प्टी सेट। बी और डी में वैसे भी वेन डायग्राम से समझ में आता है बी और डी अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट है, कुछ कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी क्या देखिए, तो बी यूनियन सी अलग से निकालिए, तो बी यूनियन सी 7 9 11 13, 11 13 है 15। अब इसको ए के साथ करना है, तो ए के साथ देखें तो 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बहुत इजीली आप लोग कर सकते थे ये क्वेश्चन। तो क्या कॉमन हुआ, इंटरसेक्शन लग गया तो 7 9, ए के साथ लगा तो 7 9 11 लाइक दिस, राइट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन डी, नो कॉमन, ए इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट, देन बी यूनियन डी निकाल के ए इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बी यूनियन सी निकाल के इंटरसेक्शन निकालिए, इजीली आप कर सकते थे क्वेश्चन। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, राइट। एंडलेस काफी सारे हैं इसमें देखें हम, तो अगर हम समझें तो सबसे पहले ए क्या गिवन है, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डी क्या है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड डी क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अगर हम ध्यान दें तो बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी बोला है तो ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली बी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ए में तो सारे एलिमेंट हैं ही, तो 2 4 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी होगा, राइट। इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट ही मिलेगा, तो यहाँ पर डी होगा, डी मीन्स 2 3 5 एंड सो ऑन। बी यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी में अगर हम देखें तो बी इंटरसेक्शन सी तो केवल इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट। अगर यहाँ पर बी यूनियन सी बोला होता तो जरूर हम बोल सकते थे इक्वल टू ए होता, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अब बी इंटरसेक्शन डी,
बी इंटरसेक्शन डी पॉसिबल है यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन डी एक सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल टोन केवल टू, एंड सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी में तो काफ़ी सारा कॉमन है, केवल एक हम देखें तो यहाँ पर टू और इस वन को छोड़ दें तो थ्री से स्टार्ट करेंगे तो थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन, राइट, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, ए है वन टू थ्री फोर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन फोर एंड सिक्स। ठीक है, देखिए अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए मानूं तो ए में है वन टू थ्री फोर, अच्छे और सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और बी में देखें हम तो फोर फाइव एंड सिक्स है, तो इसका मतलब फोर ओनली कॉमन है, ये फोर कॉमन हो गया, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट ऑफ डिसजॉइंट ये बोला है, तो अभी तो केवल आप ये ए ये बी, ए में क्या क्या है वन टू थ्री, बी में है फोर फाइव सिक्स, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर आपसे कभी ए माइनस बी पूछा होता है, क्योंकि बाद के क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, तो ए माइनस बी पूछा होता तो हम सिंपल वन टू थ्री बोलते, बी माइनस ए बोला होता तो हम बोलते फाइव एंड सिक्स, एंड डिसजॉइंट नहीं है ये। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए ई आई ओ यू, ई यहाँ पर कॉमन हो गया तो अगेन ये डिसजॉइंट नहीं है, राइट। अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो ई एक कॉमन है, ये ए ई आई ओ यू यहाँ वॉवल है ए आई ओ यू, और यहाँ पर सी डी एफ ई कॉमन है। अगर इस केस में ए माइनस बी बोला होता तो हम बोलते ए यू आई ओ, बी माइनस ये ए मान लो ये बी, बी माइनस ए बोला होता तो हम बोलते सी डी एफ, एंड डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखें तो एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स एन ऑड इंटीजर, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इवन में लाइक टू फोर सिक्स एट, ऑड में नेगेटिव भी हो सकते थे वन थ्री फाइव सेवन, तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब जो जिसमें कुछ कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी जहां पर भी एम्प्टी सेट होगा वो डिसजॉइंट सेट होगा, राइट, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। देखिए नाइन क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी दिया हुआ है आपसे, पूछा जैसे ए माइनस बी, सिंपल ए माइनस बी, पहले देखिए ए और बी में कुछ कॉमन है, ए माइनस बी फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, फोर का मल्टीपल है ये थ्री का मल्टीपल है, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, राइट, बाकी तो सब अलग अलग हैं, ये 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये 4 12 कॉमन हो गया, 4, 8, 16, 20, तो अगर सपोज a माइनस बी आपसे पूछा है, 2, 3 क्वेश्चन के बाद आप बाकी सब इजीली कर लेंगे, तो a माइनस बी मीन्स जो केवल a में हो b में ना हो, यानी कॉमन पार्ट छोड़ना होता है, तो 3, 6, 9, 15, 18, लाइक 21, ऐसे अगर b माइनस ए होता, ये a है ये b है, b माइनस ए होता तो हम लिखते 4, 8, 16 एंड 20, राइट। a माइनस डी अगर बोला है, d के साथ कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, एक 15 ऐसा है जो कॉमन है, राइट, तो 15 कॉमन है तो आप लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। सिमिलरली जैसे b माइनस ए हम निकाल चुके हैं, c माइनस a, तो c में ध्यान दीजिए 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, और a में मल्टीपल ऑफ 3 है, तो c माइनस ए की अगर मैं बात करूं विदाउट डायग्राम तो मैं बोलूँगा 2, 4, 6 कॉमन हो गया, 8, 10, 12 अगेन कॉमन हो गया, 14 एंड 16 लाइक दिस, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे, नोट डाउन।